हमारे YouTube चैनल पर। अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन को तीन वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड है कंटेबल्स नाउन, गणनीय संज्ञा। थर्ड है अनकंटेबल्स नाउन, अगणनीय संज्ञा। अब चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि को नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इंग्लिश का डिफिनेशन जानते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, डेज, मंथ और इटीसी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पार्टिकुलर पर्सन जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया। अब पार्टिकुलर्स प्लेस पटना हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया। पार्टिकुलर्स इन किसी निश्चित जानवर का नाम क्या हो गया, पूसी हो जाएगा। एक कैट का नाम हो गया, रोजा हो गया। एक पार्टिकुलर डॉग का नाम एक निश्चित कुत्ते की नाम है। अब चलते हैं पार्टिकुलर डेज के ऊपर, संडे मंडे हो गया। अब पार्टिकुलर मंथ किसी निश्चित महीने के नाम, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। और पार्टिकुलर बुक के नाम, द रामायण हो गया, द बाइबल हो गया, द कुरान हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक, काउंटेबल्स नाम यानी गणनीय संज्ञा। किसे कहें, किसी नाउन के हम गिन सकते हैं उसको हम लोग काउंटेबल्स नाउन कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन जाने, ए काउंटेबल्स नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग्स व्हिच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल्स नाउन उसको हम कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल्स नाउन को संक्षेप में काउंट नाउन भी कहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसका हम प्लुरल्स फॉर्म में भी यूज करते हैं। जैसे बॉय क्या है मेरा, काउंटेबल्स नाउन, इसको प्लुरल्स फॉर्म में यूज करेंगे, बॉयज हो जाएगा। अब चलते हैं अनकाउंटेबल्स नाउन। अनकाउंटेबल्स नाउन यानी अगणनीय संज्ञा किसे कहते हैं, जिस नाम को हम गिन नहीं सकते हैं उसको अनकाउंटेबल्स नाउन कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिफिनेशन जानते हैं, एन अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते। एग्जाम्पल में हो जाएगा मिल्क हो गया, वाटर हो गया, बटर हो गया, काइंडनेस हो गया, स्वीट हो गया, इस सब को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अब हम ट्रेडिशनल ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार क्लासिफिकेशन करते हैं। ट्रेडिशनल मतलब पुराने और मॉडर्न मतलब आधुनिक। अब प्रॉपर नाउन ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों में सेम है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को ट्रेडिशनल नाउन में कॉमन और कलेक्टिव नाउन को मॉडर्न नाउन में काउंटेबल्स नाउन कर दिया गया है। और मटेरियल्स नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ट्रेडिशनल में है, इसको मॉडर्न में क्या कर दिया गया, अनकाउंटेबल्स नाउन। जैसे आप सबका एग्जांपल के तौर पे आते हैं प्रॉपर नाउन, जैसे किसी निश्चित व्यक्ति हो गया, एनिमल्स हो गया, तो प्रॉपर नाम हो गया जैसे राम श्याम, और प्रॉपर एनिमल हो गया जैसे कैट डॉग्स हो गया। तो कॉमन दोनों में कॉमन रहेगा, ट्रेडिशनल में भी कॉमन रहेगा और मॉडर्न में, दोनों एक जैसा समान रहेगा। अब ट्रेडिशनल में कॉमन नाम को बॉय कहते, कलेक्टिव नाम को क्लास कहते। और बॉय को हम लोग भी काउंट कर सकते हैं और क्लास को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए कॉमन नाम और कलेक्टिव नाम को मिलाकर काउंटेबल्स नाम बना दिया गया है मॉडर्न युग में, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। अब चलते हैं मटेरियल्स नाउन, क्या हो गया मिल्क हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया हैप्पीनेस हो गया। तो नहीं हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं, नो हैप्पीनेस को यानी खुशी को हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए इसको अनकाउंटेबल्स में रखा गया है। आशा करता हूँ कि आप
सभी इसको समझ गए हो। थैंक यू वेरी मच।